हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग की या फिर पेपर ट्रेडिंग की और लाइव डिप्लॉयमेंट की। तो जो मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं उनमें से कई लोगों के कमेंट आए हैं, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था कि सर बैक टेस्ट तो हो गया लेकिन हमको यदि हमको अगर फॉरवर्ड टेस्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, या फिर हमको लाइव में डिप्लॉय करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। वेलकम टू T4E ट्रेडिंग फॉर नहीं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनोज कुमार सिंह, अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर और एल्गो ट्रेडर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के बाद में लाइव में कैसे डिप्लॉय करते हैं या पेपर ट्रेडिंग में कैसे डालते हैं। तो पहला काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको हम लोग जो हैं वो फॉरवर्ड टेस्टिंग में डालेंगे। तो देखिए, मैंने ये यहाँ पर खोल लिया, क्रिएट स्ट्रेटजी बटन दबा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारा मेन पर्पज स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है। हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे ताकि वो हमारे सामने ही ट्रिगर हो, ताकि हम देख पाएँ। तो ठीक है, तो पहली डेट क्या करते हैं हम लोग, डेट हमारी आज की 30 है तो ले लेते हैं, और इसमें ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करते, एक साल का ले लेते हैं ताकि कोई भी हमारा आ जाएगा। तो 29/8 है तो हम लोग इसमें सितंबर से ले लेते हैं, और ये हम लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं निफ्टी। रन नेम है हमारा निफ्टी सेलिंग। अब इसमें क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिया फ्यूचर ऑप्शन लिया, यहाँ पर हम चूज करने वाले हैं निफ्टी। हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से बना लें। एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री हम करेंगे, देखिए अभी बजा हुआ है 11:30, तो हम इसको 11:32 में सेट कर देते हैं। टाइम ऑफ द डे इक्वल टू 11:35 कर देते हैं, ताकि तब तक कुछ बात करेंगे हम लोग तो हमारा ये काम बन जाएगा, और जब जैसे ही 11:35 होगा हमारा तो हमारी स्ट्रेटजी ट्रिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सेव कर लिया। एग्जिट क्या है, एग्जिट देखिए हम डाल देते हैं कि टाइम ऑफ द डे इक्वल टू, यहाँ डाल देते हैं हम लोग कि 12:30, ये अपने आप वहाँ से एग्जिट कर जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, दो एंट्री कंडीशन और एग्जिट कंडीशन हो गई। अब हम ये लेग क्या लेने वाले हैं, एंट्री कैसे लेंगे हम, तो ये हमारी एक्शन हम ऑप्शन लेने वाले हैं, करंट ऑप्शन ठीक है, स्पॉट बेस ठीक है, स्पॉट बेस हम यहाँ लेने वाले हैं प्रीमियम नियर, और इसमें ले लेते हैं हम लोग कि 200 का लिया हमने, एक लॉट का लिया और ये 4 लेग कर लेते हैं। टोटल हम चाहते हैं हमारा थोड़ा मार्जिन कम जाएगा, तो पर्पज़ है चारों लेग का आपको मालूम पड़े। तो आपको एक और चीज़ पर नहीं मालूम पड़ेगी, सभी प्रीमियम नियर लेते हैं, ये भी प्रीमियर नियर लिया, ये काम करते हैं, नियर तो लेते ही हैं, इस बार हम लोग लेते हैं फ्यूचर बेस्ड एटीएम, फ्यूचर बेस्ड एटीएम, फ्यूचर बेस्ड एटीएम और फ्यूचर बेस्ड एटीएम। तो ये जो हमारी कॉल है ये पुट है, इसको दोनों को हम सेल करेंगे, दोनों एटीएम को, और ये दोनों को हम कॉल और पुट को, इन दोनों को हम बाय करेंगे। एटीएम है ये अगर हमारी कॉल, तो हम थोड़ा सा ओटीएम जाएंगे और इनको बाय करेंगे। ओटीएम 2 गए हम लोग यहाँ बाय किया, और ये OTM 2 गए और यहाँ पर हमने दोनों को बाय कर लिया है कॉल को। अब समझिए आप, ये बेसिकली क्या बन गया, ये हमारा आयरन कंडोर बन गया है। तो हमने जो हमारा जो ATM है आयरन कंडोर है, और ये आयरन फ्लाई बन गया है क्योंकि हमारे दोनों ATM लिया हुआ है। इन दोनों को सेल करेंगे और एक दो OTM ऊपर जाकर के हम बाय करेंगे, दो OTM जाकर के नीचे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो दिस इज ए रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको, यहाँ कोई भी स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, लेट इट भी, और क्योंकि इसे हम आपको दिखाएंगे और होगा तो पहले क्लोज कर देंगे इसको हम लोग। देन देखिए नेक्स्ट मिनट स्टार्ट ठीक है, स्टॉप लॉस ठीक है, इंटर डे ठीक है, ट्रेड ड्यूरिंग ठीक है, हमारा इंटर डे है, एक ट्रेडिशनल लेने वाले हैं, यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ तो देखिए आपका जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ यहाँ तक तो आप देखते ही हैं, इसके बाद में आगे का भी हम लोग करेंगे आज। तो क्या किया हमने, इसको जा करके सबमिट किया और देखें कि हमारा क्या रिजल्ट इसमें आता है। एक साल का हम देख रहे हैं, पॉजिटिव आया अगर निगेटिव में अंतर नहीं पड़ता, देखिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा पर्पज आज यहाँ पर है कि इसे हम डिप्लॉय स्ट्रेटजी लाइव करें। अगर देखिए यहाँ पर बटन आ गया डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव। अब लाइव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिखाऊंगा, देखो आपको मैं यहाँ गए, अब यह तीनों ऑप्शन आ गए, पेपर टेस्टिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड ऑटो ट्रेडिंग। पेपर टेस्टिंग का मतलब ही होता है हमारा फॉरवर्ड टेस्टिंग,
और वन लाइन ऑन वन क्लिक ट्रेडिंग क्या होता है कि जब भी ट्रिगर होगा तो आपके पास मैसेज आएगा, आप जब क्लिक करोगे तब ये ट्रिगर होगा। तो एल्गो में कोई सेंस नहीं है वन क्लिक को ट्रिगर करें, लेकिन जो पोजिशनल जिनकी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, उनकी स्ट्रेटजी पोजिशनल है जिसमें लंबे टाइम के लिए रखते हैं उसके अंदर, तो वहाँ उनके लिए बेटर है कि वो जब सिग्नल आए तो वो चेक कर पाए कि हाँ भाई हमें लेना है, तो वो उसको क्लिक करेंगे तो उनकी ट्रिगर हो जाएगी ऑटो, मतलब जैसे ही सिग्नल आएगा वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम ये पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए डिप्लॉय स्ट्रेटजी लाइव में गए देखिए हम लोग, और ये हमारी यहाँ पर क्या देखिए स्टॉप रन आ गया, ये आ गया कॉपी एडिट आ गया, व्यू स्ट्रेटजी डिले सब कुछ है, रन लेवल लाइव है, और ऑर्डर टाइप यहाँ पर पेपर आ रहा है लिखा हुआ। इसका मतलब कि जैसे ही हमारा टाइम होगा 11:34 देखिए यहाँ पर हो चुका है, अभी देखिए कितना टाइम है 30 सेकंड बचा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आना चाहिए। अब हम हमारे डैशबोर्ड पर जाएँ तो हमारी नाम क्या है निफ्टी सेलिंग, देखिए अब देखिए निफ्टी सेलिंग हमारी ये आ गई है नीचे, बाकी स्ट्रेटजी हमारी चल रही है उनको छोड़ दीजिए, हम केवल निफ्टी सेलिंग में ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, पेपर ट्रेड लिखा आ रहा है तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे ही 11:35 होगा ये स्ट्रेटजी हमारी ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको हमेशा ट्रेन करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिले, एक्स्ट्रा सीख पाएँ आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको देता हूँ वही स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जो कि लाइव मार्केट के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं। दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो मैं यूट्यूब में शेयर करता हूँ अपनी स्ट्रेटजी, उनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करता, मैं काफ़ी मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि यूट्यूब में जो आज जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा आई है, उनमें काफ़ी कम से कम नीचे लेकर के आते हैं तब वो लाइव टेस्टिंग करने लायक के बनते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मैं कभी सिंगल स्ट्रेटजी नहीं देता, आई ऑलवेज गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक दूसरे को अच्छे सपोर्ट करता है, ड्रॉडाउन कंट्रोल होता है, और साथ साथ में उसमें हमारे ड्रॉडाउन के हमारे जो डेज होते हैं वो भी हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी निफ्टी सेलिंग की हमारी है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, देखते हैं एक बार कितने बजे ट्रिगर होगी ये निफ्टी सेलिंग है यहाँ पर, क्या हमने टाइम सही लिया था, लेट अस वेट कि जब 36 होता है तो देखिए यहाँ पर स्टार्टर आ चुका है, इसका मतलब देखें क्या चल रहा है, देखिए रिफ्रेश करते ही आ गया। अब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ पर निफ्टी सेलिंग हमारी ट्रिगर हो चुकी है पेपर में, और अभी देखिए इसका कोई एक्चुअल में भी ये ब्रोकर के एंड पे नहीं गई है, वहाँ नहीं हो रही, केवल ये पेपर में ट्रेड हो रही है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका आना स्टार्ट हो गया। जब इसको क्लिक करेंगे तो चारों लेग के अंदर इसमें ट्रेडिंग जो है, जो ट्रेडिंग का जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम जान पा रहे हैं कि हमारा इसमें प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। बाकी मेरी जितनी भी है सभी देखिए ऑटोमेटिक का मतलब ये सभी एक्चुअल में चल रही हैं, ये हमारा पेपर ट्रेड में चल रही है। तो आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो जो मेरा प्रोसेस क्या है, पहले मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, फिर उसको पेपर ट्रेडिंग में डालता हूँ, मेरा अलग अकाउंट है वो, उनमें कंटिन्यूसली चलती 3-4 महीने, उसमें हम लोग जज करते हैं कि उसके आपसे मॉडिफाई करते हैं, देन ओनली वो स्ट्रेटजी बनती है जो लाइव मार्केट में जाने लायक होती है। तब भी मैं उन स्ट्रेटजी को यूजर को नहीं देता, अपना पैसा ज़्यादा पैसा नहीं लगाता उसमें, हम लोग एक लॉट के साथ में करते हैं ताकि देख पाएँ कि इसमें क्या स्लिपेज आ रहे हैं और अल्टीमेटली मनी के साथ में कैसा बिहेव कर रही है। पेपर ट्रेडिंग के बाद में जब हम एक्चुअल लगाते हैं तो उसमें स्लिपेज भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं, उसका टैक्स भी इंक्लूड होते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं, उसके बाद में वी डिसाइड कि हाँ भाई अभी ठीक हो गई है, देन ओनली वी यूज इट, और वही हम देते हैं अभी यूजर्स को। ध्यान रखिएगा यूजर भी वही यूज़ करते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। यहाँ देखिए आ गया है, अब आप देखिए अब आपके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 लेग हैं, आप चाहें तो पर्टिकुलर लेग को भी इसमें क्लोज कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्वायर अप, देखिए ये हमारी निफ्टी सेलिंग के सामने स्क्वायर बटन आ रहा है, आप इसे क्लोज करेंगे तो चारों बटन क्लोज हो जाएंगे, आप चाहें तो इंडिविजुअली क्लोज कर सकते हैं, ये कंट्रोल क्वांटमन आपको देता है। एक और चीज़, कई लोग मुझे बोलते थे एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कोई कोर्स बनाने के लिए, तो मेरा प्लान है जल्दी ही विद इन 1 or 2 वीक मैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, कहीं और नहीं जाना आपको, यूट्यूब में ही ज्वाइन मेंबरशिप में आएगा, उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ, जब डालूंगा तो आई विल अपडेट यू। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ पाए। तो ये हमने हो गया, अब इसे काम करते हैं, इसे हम लोग स्क्वायर अप कर देते हैं यहीं से ही, और यहाँ जो भी होगा जितनी हमारे सामने आ जाएगा, हमने भी इसमें टोटल क्लोज होते होते रिफ्रेश कर लें, क्योंकि हमने बटन तो दबा दिया था। देखिए ये जो है यहाँ हमको 20 रुपये का प्रॉफिट देकर पेपर में देकर के ये क्लोज हो गई है।
अगर मान ली ऐसे हमने लाइव में डिप्लॉय किया होता तो हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता। चलिए काम करते हैं। अब ये है, इसको हम इसे जो है हम लोग अब क्या करते हैं, इसे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको गौर कर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर हमारा 11 कैडेट में लीव हुई हैं, लाइव की 11 यूज़ हो रही हैं, तो हमको यदि कोई नई लगानी पड़ेगी, पेपर की काउंट होती है, ये देखिए काउंटेड है ये, अब नेक्स्ट का वेट कर रही है, तो इससे पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा। मैं स्टॉप कर दिया, अब वापस डिफॉल्ट में गए। अब देखिए हमारी ये स्ट्रेटजी हमारी लाइव में है, ये स्टॉप हो चुकी है, इसी को फ्रेश उठाया जो जिसमें हमने टेस्ट किया था, और इसको हम देखिए यहाँ पर है, जब बैक टेस्ट करते हैं उसके बाद सबमिट करने के बाद में बटन आता है डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव, हम इसे फिर से लाइव में दबा रहे हैं निफ्टी सेलिंग, और इस बार हम दबा रहे हैं ऑटो ट्रेडिंग। अब देखिए ऑटो ट्रेडिंग करते ही इतने सारे इसमें ऑप्शन और भी आ जाते हैं, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। पोजिशन टाइप कौन सा है आपका, आप नॉर्मल लेने वाले हैं या MIS लेने वाले हैं। अगर बाइंग की स्ट्रेटजी है और आपका टाइमिंग आपने रखा हुआ 3:15 तक आपको एंट्री हो सकती है, आप उसका एग्जिट 3:25 तक वेट कर सकते हैं, तो नॉर्मल लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा आपका जो ब्रोकर का उसे काट देगा। एंट्री ऑर्डर आप कैसे लगाने वाले हैं, मार्केट लगाने वाले हैं या लिमिट लगाने वाले हैं, आपके पास चॉइस होगी। लिमिट लगाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कैसे लगाना है, अगर एग्जीक्यूट इतने सेकंड में नहीं हुआ तो मॉडिफाई में करना है या कैसे करना है। आपने लेटर से लिमिट और बोला लगाने के लिए, और यदि वो 3 सेकंड में नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं इसे मॉडिफाई टू मार्केट कर दिए या कैंसिल कर दिए, दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे। एजी ऑर्डर भी ऐसे ही है, मार्केट या लिमिट, यू कैन डू इट। स्पॉट लॉस, स्टॉप लॉस, लिमिट प्राइस भी कितना डिफरेंस हो वो डाल सकते हैं आप, लिमिट ऑर्डर बफर डाल सकते हैं इसके अंदर, और मार्जिन बेनिफिट के लिए आपको काम करना है नहीं करना, समझिए आप। मार्जिन बेनिफिट मतलब क्या हुआ कि हमने देखिए स्ट्रेटजी बनाई थी निफ्टी की, जिसमें 2 सेलिंग के लेग थे, 2 बाइंग के। अगर निफ्टी की सिंपल आप स्ट्रेडल बेचेंगे तो आपको खर्चा आएगा नियरली 70-80 हज़ार रुपया, अभी लॉट साइज कम हो गया, पहले गिरा 10 हज़ार के आसपास था। लेकिन अगर आप 2 बाय भी कर लेंगे, 2 बाय कर लेंगे लेग आप, उसको आप आयरन फ्लाई बना लेंगे, तो आपका जो मार्जिन है घट के 40 हज़ार के आसपास आ जाएगा, तो बेनिफिट कम मिलेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले बाई वाले लेग एग्जीक्यूट होने चाहिए, बाद में सेल लेग एग्जीक्यूट होंगे तब आपका 40 हज़ार रुपये जाएगा। आपने उल्टा कर दिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। सेम वे जब एग्जिट करेंगे तो पहली सेल की लेग क्लोज होनी चाहिए, बाद में बाय की। अगर आपने एग्जिट किया पहले बाय का लेग क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि आपका जो है वो इतना ज़्यादा मार्जिन आप उसमें रिक्वायरमेंट आ जाएगा सेल के लेग में, आपके पैसे उसके नहीं होंगे तो आपको मार्जिन की कॉल आ जाएगी या उससे एग्जिट करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया। और स्टॉप लॉस बेड ऑन ये देखिए ये सब चीज़ें आएंगी, आपको भरनी पड़ेगी। जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा आपको एक एक चीज़ के बताऊँगा कैसे करते हैं, और इसको बटन आप दबाएंगे डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव, और स्ट्रेटजी डायरेक्टली लाइव में डिप्लॉय हो जाएगी। अभी अप्लाई क्यों नहीं होगी, अभी हम करेंगे तो क्यों, क्या इसमें एंट्री होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने 12:35 का टाइम 11:35 का टाइम दिया था, अब तो निकल चुका टाइम, अभी लाइव में आज नहीं जाएगी, अभी कल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, कैसे लाइव में डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीक में फिर कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।